सो फाइनली दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां फुल फ्लैश तरीके से रिलीज हो चुकी है। ओ भाई साहब, भाई क्या मूवी है यार अक्षय कुमार की, मतलब टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार दोनों ने फाड़ दिया भाई। पठान, जवान, एनिमल, जितने एक्शन नहीं देखे होंगे ना, जितने स्टंट आपने नहीं देखे होंगे भाई, इस मूवी के अंदर मैं बता रहा हूँ ऐसे एक्शन स्टंट है जो शायद हॉलीवुड मूवी के अंदर भी दोस्तों आप बिलीव करो ऐसे एक्शन स्टंट को, वो भी डबल बॉडी का यूज ना करके रियल स्टंट करना, रियल एक्शन करना, और भाई हॉलीवुड से भी बढ़कर ऐसी फिल्म बॉलीवुड में रिलीज करना। भाई हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दोनों की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी है। एंड भाई साहब सबके रिकॉर्ड खत्म, सारे रिकॉर्ड खत्म, अक्षय कुमार नेल्ड इट भाई, नेल्ड इट। और आपको बता दूं कि इस फिल्म को देखने के बाद कुछ हेटर लोग भी जले और भुन चुके हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो डिलीवर किया है ना कहीं उनको ये पच नहीं रहा है, और अभी भी ये बात को नहीं मान रहे कि जवान का एक्शन भी फीका है, क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां ने जो रियल स्टंट करके दिखा दिया है, ऐसे ऐसे स्टंट है ना भाई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे मशीन गन का यूज किया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। भाई पूरा रिव्यू करूंगा, ये फिल्म क्यों देखी सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं देख कर आ रहा हूं और मेरे अभी भी गूज बम्स, मैं टोटली शॉक्ड भाई, सीट से उठ नहीं पाया, यहां तक कि दोस्तों मुतने के लिए भी नहीं जा पाया, इतनी खतरनाक फिल्म है भाई। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोगों ये भी एक देशभक्ति फिल्म है, बड़े मियां छोटे मियां एक देशभक्ति फिल्म कहेंगे, पैट्रियोटिक फिल्म है भाई। हीरो से ज्यादा मतलब एक विलन पे दो दो हीरो भी फीके पड़ गए। पृथ्वीराज सुकुमारन की तारीफ इतनी ज्यादा हो रही है, क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग के साथ, उनकी वॉइस डबिंग, उनकी वॉइस कमाल की बड़े पर्दे पर। और सबसे बड़ी बात भाई, सबसे बड़ी बात जो वो बंदा बहुत ही पावरफुल लग रहा है भाई, बहुत ही पावरफुल। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी हीरो पावरफुल हो तो विलन का हमेशा पावरफुल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने आप को तो दोस्तों 1000% दे दिया है, मतलब ऑसम एक्टिंग की है हर तरीके से। एंड उसके बाद दोस्तों अली अब्बास जफर इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर, क्या विजन है, क्या स्क्रीन प्ले है दोस्तों, क्या वीएफएक्स। बड़े मियां छोटे मियां अली अब्बास जफर ने पहले ही बोल दिया था कि आप इसके अंदर एक्शन स्टंट और जो विजन, जो स्क्रीन प्ले और जो डायरेक्शन देखोगे, शायद दोस्तों बॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी जिसमें इतना बड़ा विजन अली अब्बास जफर ने जो डायरेक्शन दिया है दोस्तों, उसकी काबिल तारीफ करूंगा मैं। मतलब भाई ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स है ना भाई, आप सीट से उठ नहीं पाओगे। फिल्म जो है स्टार्टिंग से लेकर लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है, 3 आवर्स, लेकिन 2.5 घंटे की फिल्म आपको पकड़ के रखती है, कहीं भी बोरियत नहीं नजर आती है दोस्तों। और सबसे बड़ी मजे की बात दोस्तों कि इतने सारे ट्विस्ट एंड प्लॉट है, इतने सारे एडवेंचरस मूवी है ये, मतलब कहीं भी आपको किसी प्रकार से ये नहीं सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि यार मैं मोबाइल निकाल के व्हाट्सएप यूज करूं। नो दोस्तों, ये फिल्म आपको शुरू से लेकर एंड तक एक ग्लिम्स देती है, सस्पेंस देती है, ट्विस्ट देती है। स्टोरी में फुली तरीके से नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा, बट दोस्तों ये मूवी जो है कहीं ना कहीं देश पे आता कि हमला, देश पे बड़ा बवाल आता है, और जब देश को बचाने की बात आती है तो हमारे दो हीरो का जन्म होता है, और ये दो हीरो मेन विलेन पृथ्वीराज सुकुमारन पे कैसे भारी होते हैं, क्या प्लॉट है, क्या ट्विस्ट है, तो मूवी देख के ही पता चलेगा। बट ओवरऑल अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का कॉम्बिनेशन कमाल का है, एक्शन प्लस कॉमेडी का तड़का है, और इसके अंदर जो स्टंट है वो रियल है, जो एक्शन है वो डिफरेंट है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इतना ज़्यादा बढ़िया, सॉन्ग है चाहे अरिजीत के है, विशाल मिश्रा के सॉन्ग, सबके कमाल के हैं। फर्स्ट हाफ दोस्तों ऑसम है, और सेकेंड हाफ क्लाइमैक्स, मतलब लास्ट 15 मिनट्स दोस्तों बता दूँ कि भाई नेल्ड इट। एंड टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म है दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में जनता जो तारीफ कर रही है इस फिल्म की, थिएटर में जब मैं देखा था जनता दोस्तों अक्षय कुमार के लिए सीटियां और तालियां बजा रही थी, भाई फाड़ू फिल्म, अक्षय कुमार खिलाड़ी इज नाउ बैक, 90s का हीरा इज बैक। एंड अक्षय कुमार दोस्तों डेफिनेटली जवान पठान रिकॉर्ड सबके खत्म है भाई। अक्षय कुमार ने दिखा दिया कि जब वो कॉमेडी करते हैं तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है, एंड जब वो एक्शन करते हैं तो उनसे बड़ा बाप कोई नहीं है। जी दोस्तों, तो फिल्म के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों काफी चीजें दिखी, एंटरटेनिंग मूवी है, फैमिली मस्ट वॉच है। एंड ये मूवी भी दोस्तों एक गदर से भी भयंकर मूवी है, क्योंकि इसमें पैट्रियोटिक पैट्रियोटिज्म भर भर के छुपा हुआ है। क्योंकि यार जैसे कि मैंने बताया था, साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है, 350 करोड़ की लागत की फिल्म है, और आज भी थिएटर खचाखच भरा हुआ है। एंड वेल दोस्तों, सभी भाई लोगों को ईद की बधाई, हमारे मुस्लिम भाई बंधु को, एंड जितने भी हमारे भाई बंधु है, जाइए इस फिल्म को देखिए,
इसके साथ ही साथ दोस्तों एक सीन, दो तीन सीन मुझे बहुत ही प्यारे लगे इस मूवी के अंदर, जो मैं तारीफ करूंगा कि कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन की फाइट होती है उसका मास्क टूट जाता है, उसमें आधा सीन रिवील होता है उसका। उसके बाद एक सीन जहाँ पर भाई वो क्या बताऊँ, जब वो उनका जो वेपन है वो चोरी हो जाता है, कैसे जो विलन होता है दोस्तों मिसाइलों का जो अटैक करता है ना, मच्छर की तरह मिसाइलें आती है भाई आसमान से, ऐसा लगता है कि साला मैं वो देख रहा हूँ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर या वकांडा फॉरएवर फॉरएवर के अंदर वो मिसाइलें नहीं आती ऊपर से, भाई मच्छर की तरह मिसाइलें आती है। वो सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं किसी बॉलीवुड मूवी नहीं देख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ, जिसमें दोस्तों ये सीन बहुत ही कम आपने बॉलीवुड के अंदर देखा होगा। कुछ नया देखने को मिला यार, कुछ नया देखने को मिला, मतलब छोटी गन से लेकर AK-47 से लेकर बड़ी बड़ी टॉप गन और मिसाइल गन का यूज़ किया गया इस पूरी फिल्म के अंदर। ऐसे वेपन तो मुझे लगता है कि हॉलीवुड मूवी के अंदर भी दोस्तों यूज़ नहीं किया गया। कमाल का यार, इसमें दोस्तों अक्षय कुमार की एक्टिंग लाजवाब है, टाइगर श्रॉफ ऑसम, बड़े मियाँ ही है दोस्तों, अलाया एफ, मानुषी छिल्लर दोनों हॉट लग रही है, कमाल के एक्शन सीन्स है, सोनाक्षी सिन्हा का भी इसमें रोल बहुत ही प्यारा है। लास्ट इसमें जो VFX का यूज़ किया गया, साइंस फिक्शन मूवी है दोस्तों, मैं यही कि ये फिल्म फाड़ू है। लेकिन इसके साथ दोस्तों मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ट्रोल भी किया जा रहा है, इसकी कंपैरिजन जवान से की जा रही है, साफ साफ कहा जा रहा है कि कुछ लोग हेटर लोग बोल रहे हैं कि यार इस फिल्म के अंदर इमोशंस नहीं है, इस फिल्म के अंदर स्टोरी नहीं है, इस फिल्म के अंदर VFX खराब है, इस फिल्म के फिल्म लेंथी है, फिल्म में कुछ खास नहीं है, आउटडेटेड है, क्रिंज है। मतलब दोस्तों कुछ लोग ऐसी भी टिप्पणी कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों ओवरऑल इस फिल्म का, अगर आप अक्षय कुमार को पसंद करते हो एक्शन, भाई मस्ट वॉच, क्योंकि ऐसा एक्शन आपने जवान में नहीं देखा होगा। अगर आपको पसंद है दोस्तों इस फिल्म का स्टोरी, बता दूं स्टोरी फाड़ू है, नया कंसेप्ट है भाई, नया कंसेप्ट है, जाओ और देखो, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है, जो लोग बोल रहे थे कोई कॉपी पेस्ट, भाई जाओ और जाके देखो इस फिल्म को भाई, अमेजिंग है, सस्पेंस है, मतलब ये फिल्म फ्रेश कंटेंट है, नॉट अ कॉपी पेस्ट दोस्तों। और ये फिल्म डेफिनेटली भाई, अगर वासु भरानी 1100 करोड़ कहे हैं, वी होप दोस्तों 1100 करोड़ फिंगर क्रॉस हो जाए। एंड ओवरऑल इस फिल्म को 5 में से मैं दोस्तों 4.5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि एक तरफ एक्शन फिल्म है, दूसरी तरफ मैदान इमोशनल फिल्म है, एंड डेफिनेटली दोनों फिल्में दोस्तों बॉलीवुड पे फाड़ करके देगी। बड़े मियां छोटे मियां फुल सपोर्ट दोस्तों, मस्त फिल्म है, जाओ और जाके देखो, एडवांस बुकिंग खुली हो चुकी है। एंड ईद मुबारक आप सभी भाई लोगों को, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से 4.5। दोस्तों क्या लगता है बॉक्स ऑफिस आज कितना कमाएगी, क्या ये फिल्म ऑफकोर्स दोस्तों क्या ये फिल्म आज 20 करोड़ पार कर पाएगी, क्या लगता है, लाइक कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।